मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई तैयारियां तो तेज हो गई हैं और मंदिर निर्माण के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग होगा उसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर में लगने वाली ईंटों में श्री राम लिखा गया है। कार्यशाला में मौजूद पत्थरों को मंदिर निर्माण से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के नए मॉडल की वजह से यहां के लिए और पत्थर मंगाए गए हैं। सैंडस्टोन के ये पत्थर न सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि ये हजारों वर्षों तक चलते हैं और इन्हें विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए ही मंगाया गया है। अब जल्दी जल्दी मोदी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, अब वो भूमि पूजन कर देंगे और हमारा काम अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं दो भाइयों की कहानी जिनकी राम के प्रति आस्था और श्रद्धा को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये हैं शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और उनके भाई राधेश्याम पांडे। दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन दोनों 151 नदियों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए इन दोनों ने हर उस नदी का जल और हर उस स्थान की मिट्टी एकत्रित की है जहां जहां श्री राम के चरण पड़े थे। 1988 से अब तक दोनों भाइयों ने कभी पैदल तो कभी बाइक से जल और मिट्टी जुटाई है। श्रीलंका से भी दोनों भाइयों ने जल और मिट्टी एकत्रित की है। भारत के 3 समुद्र और 151 नदियों के साथ ही 151 जगहों की मिट्टी जुटाई है, जबकि श्रीलंका की 15 नदियों का जल और 16 स्थानों की मिट्टी इकट्ठा की है। अब इनकी इच्छा है कि ये मिट्टी और जल का राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल हो। जून सन 1968 से सन 2019 तक पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस यात्रा करके सब इकट्ठा किया कि भगवान श्री राम के पवित्र जन्मभूमि की नींव में मैं मंदिर के नींव में मैं इन सबको दूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.